अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस हम वापस सादिकाबाद वापसी पहुंच गए हैं छड़िया वाले चौक पे। अभी जो है हम जाएंगे यूफोन फ्रेंचाइज पे, वहां पे जाकर हमने यूफोन की नई सिम लेनी है। मैं यूफोन की सिम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनके जो इंटरनेट पैकेजेस हैं वो बहुत ही कम प्राइस में हैं और अच्छे पैकेजेस हैं, इसलिए जो है वो मैं यूफोन की सिम जो वो अभी जाके फ्रेंचाइज से लूँगा न्यू सिम। अभी जो है ये हम ये छड़े वाले चौक पे पहुँच गए हैं। छड़े वाले चौक से अब जो है वो मैं यूफोन फ्रेंचाइज की तरफ जा रहा हूँ। सादिकाबाद, ये सादिकाबाद की केएलपी रोड है। ये देखें केएलपी रोड की क्या हालत हुई हुई है। बारिशों के बाद जो है वो सादिकाबाद के रोडों का कोई हाल नहीं है, पूरा साल खराब है। ये भी शुक्र है कि हम इतनी देर बाहर लगा आए हैं, घर से अबू जी की कॉल वगैरह नहीं आई, डांट अभी डांट वगैरह नहीं पड़ी, अल्लाह करे ना ही पड़े ना ही कॉल वगैरह आए, और हम आपको इसी तरह जो है वो मजीद सादिकाबाद सिटी की सैर करवाएं। ये जी सादिकाबाद का घोसिया चौक आ गया है। घोसिया चौक जो के पुराने अड्डे के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पे जो है ये चेक करें, प्रेसिडेंट यानी कि शहजादा टर्मिनल है, वो शहजादा बस खड़ी है जो के लाहौर से आई है रात तकरीबन 9:30 बजे। इस तरफ से अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा दे अल मक्का नजरे गुजर वाला घाट है, और साथ ही जो है वो मंटहा ट्रांसपोर्ट कंपनी का घाट है, और सामने जो है वो है ब्रेज एक्सप्रेस का। ये देखें यहाँ पे ये रेंट कार्स अड्डे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो अड्डे बनाए हुए हैं रेंट पे गाड़ी चलाने के लिए, और ये जो है ये अड्डे बने हुए हैं जी नॉन एसीस के। ये सामने अलमदीना बस सर्विस वालों का अड्डा है जो कि सादिकाबाद से हरूनाबाद चिश्तियाँ बहावल नगर बहावलपुर के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इन्होंने अड्डा बनाया है। ये छोटी मिनी बस जा रही है सादिकाबाद से रहीमिया खान। ये देखें हमारे वर्कशॉप चेक करें, यहाँ पे जो है बसें काम करवाती हैं सादिकाबाद में। सादिकाबाद ट्रांसपोर्टरों का जो है वो गढ़ है, ट्रांसपोर्टर है बैठे हुए हैं। सादिकाबाद से हर मुल्क के एक एक हर कोने में जो है वो बस जाती है सादिकाबाद से। वो जिस तरह कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा, पंजाबी में कहते हैं ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा जमया ही नहीं, और जिसने अभी सादिकाबाद नहीं देखा उसने भी कुछ नहीं देखा। अभी जो है वो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जो है मैं भूंग मस्जिद शरीफ का जो है वो प्लान बना रहा हूँ, अल्लाह खैर करे वहाँ पे जाऊँगा भूंग मस्जिद का भी आपको वो रास्ता वगैरह सब कुछ दिखाऊँगा। वहाँ पे ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि कच्चे के इलाके में वो आ जाता है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने ऑडियंस के लिए जो है वो जाऊँगा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मोटरसाइकिल की खुद की परवाह नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अपने गाइस ऑडियंस के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म अच्छा लेके आऊँगा, उनको दिखाऊँगा कि हमारे यहाँ पे सादिकाबाद में भूंग मस्जिद शरीफ जो है वो कितनी प्यारी तैयार की हुई है। ये सिर्फ देखें ये शीरीज फैमिली मार्ट है, ये तो बहुत अच्छा मार्ट इन्होंने तैयार किया हुआ है। ये बस सर्विस पॉइंट है, ये देखें ये शीरीज कैफे है बारबेक्यू।